सब्सक्राइब कीजिए आदित्य सिंह को और दबाइए इस घंटे को ताकि आप देख पाए मेरे टेक वीडियो सबसे पहले। हे गाइस, मैं हूं आदित्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह पे। और जैसे कि हम आपको जो है सो 4 दिन पहले जो है सो एक AI फाइल दिए थे, तो बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई AI फाइल दिए तो उसको एडिट करना भी बताओ कि उसको हम कैसे एडिट करेंगे, कैसे उसमें एड यूनिट लगाएंगे, कैसे फायर बेस देना है और कैसे जो है सो उसको एक्सपोर्ट करना है, तो वो सब कुछ जो है सो बताओ। तो इस वीडियो में हम आपको उस एप्लीकेशन को जो है सो एडिट करना बताएंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल का आइकन आता है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि यहाँ पे जितने सारे जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए करना क्या हुआ कि यहाँ पे आपको आ जाना है appbuilder.com पे और यहाँ पे जो है सो अपने गूगल अकाउंट से जो है सो यहाँ पे साइन इन कर लेना है। उसके बाद आपको करना है क्या है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे इम्पोर्ट AI फ्रॉम माई कंप्यूटर पे क्लिक करके आपको जो है सो अपना प्रोजेक्ट को जो हम जो है सो AI फाइल आपको दिए हैं वो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो ये कुछ है सो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा और ऐसा जो है सो ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्क्रीन है, तो सबसे पहले हम screen 1 पे हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और एप्लीकेशन का नेम आप चेंज कर लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे चले जा सकते हैं और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप आइकन जो है सो चेंज कर लीजिए अपने एप्लीकेशन का, जो आपको एप्लीकेशन का आइकन देना है वो अपना लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको छोड़ देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है वेलकम टू पे और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू रहने दीजिए और यहाँ पे मनी वादशाह जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ से जो है सो अपना टेक्स्ट जो है सो चेंज कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन का नेम जो है सो दे सकते हैं। उसके बाद करना क्या है तो उसके बाद आप हेल्प पे चले जाइए, हेल्प पे आप दे सकते हैं कि आपका टास्क जो है सो कैसा कंप्लीट करना है और यहाँ पे आपको एड यूनिट देना। तो काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई एक ही एड यूनिट सारे एप्लीकेशन में देंगे, यानी कि एक ही एड यूनिट सारे स्क्रीन में देंगे या हर के लिए जो है अलग अलग बनाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, आप एक एड यूनिट जनरेट कर लीजिए और वही एड यूनिट को जो है सो आपके सारे एड यूनिट के ऑप्शन में आपको देना है। तो आपको जो है सो एक्स्ट्रा नहीं क्रिएट करना है, एक ही क्रिएट कर लीजिए और वही जो है सो आपको सारे ऑप्शन में आपको देना है। उसके बाद करना क्या है, हेल्प पे आप चले जाइए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए एडमोब का इंटरेसियल पे और एड यूनिट के जगह पे यहाँ पे आप अपना एड यूनिट क्रिएट जो किए होंगे वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद हेल्प से अगर रजिस्टर पे चले जाते हैं तो रजिस्टर पे भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे फायरबेस है। तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि फायरबेस में टोकन कहाँ से मिलेगा, URL कहाँ से मिलेगा, तो चलिए हम फायरबेस पे चलते हैं। फायरबेस पे जाने के बाद हम आपको बताते हैं कि टोकन कहाँ से मिलेगा और URL कहाँ से मिलेगा और कैसे जो है सो प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ से हम चले जाते हैं फायरबेस पे और फायरबेस पे जाने के बाद हम आपको बता देते हैं कि कैसे जो है सो आपको क्रिएट करना है। तो फायरबेस पे जैसे ही आप आइएगा तो कुछ आपको ऐसा अब जो इंटरफेस दिखेगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप जो है सो यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लीजिए और उसका जो है सो आपको टोकन और URL निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे जो है सो आपको टोकन और URL मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है सो मेरा फायरबेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है ऐड प्रोजेक्ट पे। ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है सो लिमिट खत्म हो चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे देना है। प्रोजेक्ट में नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, एप्लीकेशन का नेम भी दे सकते हैं, अपना नेम भी दे सकते हैं, जिससे आपको मतलब पता रहे कि कौन सा एप्लीकेशन का आपका ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको कंट्री जहाँ से है वहाँ से आपको चूज कर लेना है और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट जो है सो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि लिमिट जो है सो हम क्रॉस कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यानी कि जब आप प्रोजेक्ट जो है सो आपका क्रिएट हो जाएगा तो कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो वहाँ पर आपको ये मिलेगा ऑप्शन यहाँ पर डाटाबेस, तो गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ जो है सो एडिट करना पड़ेगा। आपको हम आपको बता देते हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको रूल्स पे चले आना है और रूल्स पे आने के बाद जो है सो यहाँ पे ट्रू लिखा रहता है, सॉरी फॉल्स लिखा रहता है, उसको आपको ट्रू करना होता है। हम आपको बता देते हैं कहाँ पे आपको ये मिलेगा।
यहाँ पे देख सकते हैं ट्रू लिखा हुआ है, तो इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे ट्रू ही लिखना है, फॉल्स लिखा रहेगा तो ट्रू लिखना है। उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आएगा, पब्लिश कर देना है। अब डाटा में जाते हैं, तो डाटा में जाने के बाद ये जो है सो आपको मिल जाता है, ये जो है सो ये है आपका URL। आपको यहाँ पे जो URL मांगा जा रहा है वो ये है URL, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोकन मांगा जा रहा है वो टोकन कहाँ से लाए, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जाइएगा प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है सो ये टोकन आपको मिल जाता है, ये आपका टोकन है। तो ये दोनों को जो है सो आपको जहाँ पे भी फायरबेस में मांगेगा ये सो यहाँ पे भी है, तो वही टोकन और वही URL इसमें भी देना है, वही टोकन URL इसमें भी देना है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, तीनों फायरबेस को जो है सो कम्प्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप चले आइए यहाँ पे स्क्रीन वाला हम आपको बता चुके हैं, और यहाँ पे शेयर पे आ जाइए। शेयर पे क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, फायरबेस में हम जैसे आपको बताएं वैसे फायरबेस दे देना है, और यहाँ पे अपना एड यूनिट जनरेट करके दे देना है। उसके बाद शेयर जब करेगा तो उसका आपका एप्लीकेशन का लिंक शेयर होना चाहिए, तब ब्लॉक्स में जाकर, और ब्लॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर का, हम आपको बता देते हैं, शेयर मैसेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नेम लिख देना है, जैसे इन्वाइट फॉर यू, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नेम लिख दीजिए, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन का जो है सो यहाँ पे आप जो है सो अपना एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पे सेंड कर दीजिए, ताकि कोई एप्लीकेशन शेयर करता है तो आपका लिंक शेयर हो और आपका ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे T1 मिल जाता है, यानी कि टास्क 1। इसमें आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, और ज़्यादा छेड़छाड़ इस एप्लीकेशन में करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम जितना बता रहे हैं उतना ही कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे एड यूनिट लगा लीजिए। उसके बाद T2 पे चलते हैं, टास्क 2 पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपना एड यूनिट यहाँ पे लगा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे फायरबेस का है तो यहाँ पे अपना टोकन दे दीजिए, वही टोकन वही URL यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाना है टास्क पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 इंप्रेशन है, 1 क्लिक है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो आपको कुछ यहाँ पे भी नहीं करना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का है, तो यहाँ पे अपना ईमेल दे सकते हैं, और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, जिससे यूजर जो है आपसे कॉन्टैक्ट करे, और यहाँ पे अपना एडमोब का एड यूनिट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बच जाता है वॉलेट, तो वॉलेट में आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप नंबर और यहाँ पे जो है सो ये चेंज कर देना है, व्हाट्सएप और ईमेल आईडी चेंज कर देना है, और नीचे जितना भी फायरबेस है आपको यहाँ पे फायरबेस में अपना टोकन दे देना है, इसमें भी अपना टोकन और URL दे देना है। जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करके सेव यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऐप सेव APK टू माई कंप्यूटर, यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये एप्लीकेशन जो है सो बिल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है ये अपना आपका ब्राउजर में जो सो डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद अपने फोन में लेकर जो है सो इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। और एक बात और भी बता दें कि जिस फोन में आपका एडमोब एडसेंस अकाउंट होगा उस फोन में आप अपना एप्लीकेशन को मत यूज कीजिएगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है ये, तो इससे आपका एप्लीकेशन जो है सो सस्पेंड हो सकता है, एडमोब एडसेंस दोनों सस्पेंड हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के रिलेटेड और AI फाइल आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो है सो हम आपको फिर से लाते हैं और आपको बताते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।